जब जब सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्मों का जिक्र होता है तब तब वेलकम फ्रेंचाइजी का नाम जरूर आता है। हालांकि अब इस फिल्म का नाम सिर्फ कॉमेडी के लिए ही नहीं बल्कि एक्शन जैक्शन के लिए भी जाना जाएगा, क्योंकि इस बार के पार्ट में आपको एक तड़कती भड़कती कहानी तो देखने को मिलेगी ही, जिसमें कॉमेडी और इमोशंस के साथ एक्शन का फुल ऑन स्पाइस होने वाला है। इन दिनों इस मूवी की शूटिंग मुंबई में चालू है और मुंबई से शूटिंग के कई सारे फोटोज वायरल हो रहे हैं। इन फोटोज में से एक ऐसी पिक्चर निकल कर बाहर आई है जिसमें 90s के OG अक्षय कुमार और रवीना टंडन दिखाई दे रहे हैं। जी हां, हाल ही में कुछ और फोटोज सेट से वायरल हो रही हैं, जिसके बाद से फैंस के एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं है। इन फोटोज में अक्षय कुमार और बाकी स्टार्स के साथ रवीना टंडन भी नजर आ रही हैं। फोटो में रवीना के कर्ली हेयर देखने को मिल रहे हैं, जो काफी ज्यादा मैसी हो रखे हैं। उन्होंने कोई शॉल ओढ़ रखी है। आपको बता दें कि इस दौरान ये सभी स्टार्स इंक्लूडिंग अक्षय और रवीना एक मजेदार सीन शूट करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, इस दौरान जहां अक्षय कुमार, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े और कृष्णा मौजूद हैं, सबके हाथ में गन्स दिखाई दे रही हैं और सभी ने आर्मी जैसी यूनिफॉर्म पहन रखी है। वहीं आपको बता दें कि इस फोटो में सब स्टार्स के सिर पर कैप भी नजर आ रही है। वहीं पीछे काफी सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जिनके गेटअप को देखकर तो यही लग रहा है कि ये लोग कश्मीरी हैं। कई लोगों ने कयास लगाए हैं कि ये कश्मीरी मुसलमान होने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि रवीना मदद की गुहार लगा रही है। हालांकि सीन को लेकर ज्यादा कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, इसलिए डिटेल में कुछ कहा नहीं जा सकता है। मगर इन लीक्ड फोटोज को देखने के बाद इतना जरूर कहना पड़ेगा कि फैंस के लिए वेलकम 3 में काफी सारे एंटरटेनिंग पॉइंट्स होने वाले हैं और कई सारे एक्शन के धमाके भी देखने को मिलने वाले हैं, जो फैंस एक पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज होगा। आप लोग इस सीन को थिएटर में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।